रावतमाल के पास लस्तानी द्वितीय गांव में सालों पुराने रास्ते को कांटे की तार लगाकर बंद कर दिया। समस्त ग्रामीणों ने ब्यावर तहसीलदार से रास्ता खुलवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि लस्तानी द्वितीय का वर्षों पुराना रास्ता नारायण ने बंद कर दिया। गांव के 150 परिवार को आने में परेशानी हो रही है। रास्ते पर ग्राम पंचायत फंड से पुल निर्माण कराया गया है, केवल रास्ते की वजह से काम अधूरा पड़ा है। अगर यह रास्ते का निर्माण हो जाता है तो हमें करीब 1 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना नहीं पड़ेगा, जल्द ही गांव में जा सकते हैं। रात के समय अचानक हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। घूम के बैलगाड़ी निकल रही थी इधर से, लाड़ी खेड़ा होकर घूम के आ रही थी, मगर ये जो शॉर्ट जो रास्ता है ना गांव का, ये यहाँ मतलब निकल देते पहले, हमारे जन्म से पहले निकलते आ रहे हैं। अब 60 साल तो मेरी एज हो गई, 60 साल से पहले ये रास्ता चालू है, बंद नहीं। बड़े बड़े खड़े कर दिए, हमने रिक्वेस्ट करी भाई जरा जल्द गाँव को दो, आने जाने वाले बच्चे वगैरह बुढ़े आदमी कैसे निकलेंगे। हमने प्रशासन को अर्जी दी ना सर, हमने दे दी तहसीलदार को, दे दी गिरदार साहब को, दे दी पटवारी को, दे दी हमने प्रार्थना पत्र। उन्होंने मौका मुआयना भी देख के गए, देखो आगे क्या वापस इसके बारे में प्रशासन क्या आश्वासन करती है। रोड यही है हमारे तो बाप दादाओं से 3-4 बेटे तो मेरे को निकल गई सब। तो मेरी उम्र लगभग 65 साल के लगभग है, ऐसा मेरा मानना है कि लगभग 55 सालों से तो मैं भी देखता आ रहा हूँ, और उससे भी पहले हमारे बाप दादा और गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग उस समय से, यानी निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि, लेकिन अंदाजन लगभग 100-200 साल से ऐसा अनुमान है कि जब से गांव बसा है तब से और लोगों ने यहाँ निवास करना चालू किया, तभी से ये परंपरागत आम रास्ते की तरह है, और यही एकमात्र सीधा रास्ता है। रात में मुसीबत डिलीवरी के टाइम, जैसे किसी के बच्चे बीमारी लाचारी, अब इतना रोड घूम के आए तब तक तो आदमी के प्राण ही खत्म हो जाए।